हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की सिक्स क्लास की हिंदी की किताब सेकंड लैंग्वेज और उसका दूसरा चैप्टर सबसे बड़ा धन। और आज चर्चा करेंगे इस पाठ के अभ्यास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़ा धन अभ्यास। पहला, नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। उपाय उपाय, लख लाख, हथ हाथ, प्राप्त प्राप्त, दुखी दुखी, घबराया घबराया, पैसा पैसा, मूर्ख मूर्ख। दूसरा, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। जिंदा जीवित, मुख मुख, निरोग स्वस्थ, अमीर धनवान, समा समय, नेड़े या कोल मतलब पास। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दें। क, कपिल मुनि के आश्रम का क्या नाम था? उत्तर, कपिल मुनि के आश्रम का नाम मुक्तसर आश्रम था। ख, राहुल कैसा आदमी था? उत्तर, राहुल एक गरीब आदमी था। ग, मुनि ने राहुल से सबसे पहले क्या मांगा? उत्तर, मुनि ने सबसे पहले राहुल से उसकी दोनों आंखें मांगी थी। घ, कपिल मुनि ने राहुल से 10 लाख रुपए के बदले में क्या मांगा था? उत्तर, कपिल मुनि ने राहुल से 10 लाख रुपए के बदले में उसका मुख मांगा था। चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में लिखें। क, कपिल मुनि द्वारा राहुल से दोनों आंखें मांगने पर राहुल ने क्या जवाब दिया? उत्तर, कपिल मुनि द्वारा राहुल से दोनों आंखें मांगने पर राहुल ने जवाब दिया कि आंखें दे दूंगा तो फिर मैं देखूंगा कैसे? नहीं, आंखें तुम्हें नहीं दे सकता। ख, मुनि द्वारा दोनों हाथ मांगने पर राहुल सोच में क्यों पड़ गया? उत्तर, मुनि द्वारा राहुल से उसके दोनों हाथ मांगने पर वह इसलिए सोच में पड़ गया कि हाथ देकर वह कुछ भी नहीं कर सकेगा, अगर हाथ दे दूंगा तो फिर काम कैसे करूंगा? ग, जब मुनि ने राहुल से उसके दोनों पैर मांगे तो राहुल क्यों घबरा गया? उत्तर, जब मुनि ने राहुल से उसके 2 लाख देने की बात करते हुए उसके दोनों पैर मांग लिए तो वह सोचकर घबरा गया कि पैरों को दे देने से तो वह चल फिर भी नहीं सकेगा, बिना पैरों के वह ना तो कहीं आ सकेगा ना जा सकेगा, इसलिए उसने सोचा कि वह पैर भी नहीं देगा। घ, मुनि द्वारा 10 लाख रुपए का लालच देने पर भी राहुल ने अपना मुख उन्हें क्यों नहीं दिया? उत्तर, मुनि द्वारा मुख का मूल्य 10 लाख दिए जाने पर भी राहुल ने मना करते हुए कहा कि हे मुनिराज, यदि मैं आपको अपना मुख ही दे दूंगा तो मैं खाऊंगा कैसे, पीऊंगा कैसे, खाए पिए बिना मैं जीवित कैसे रहूंगा, किसी से बात कैसे कर सकूंगा? च, मुनि ने सबसे बड़ा धन किसे कहा? उत्तर, मुनि ने राहुल को समझाते हुए कहा कि स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है, इस शरीर से मेहनत कर और कमा कर खा, इससे ही तुम्हें जीवन भर सुख मिलेगा। आगे, कपिल मुनि द्वारा दी गई सीख से राहुल के जीवन में क्या असर पड़ा? उत्तर, कपिल मुनि द्वारा दी गई सीख से राहुल शरीर का महत्व समझ गया और उसने मेहनत करनी शुरू कर दी, जिससे वह देखते ही देखते अमीर बन गया। पांचवा, ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जैसे
बूढ़ा जवान मोटा पतला पूरा आधा। ये शब्द एक दूसरे से उल्ट अर्थ दे रहे हैं, अर्थ एक दूसरे के विपरीत है। ऐसे शब्दों को ही विलोम शब्द कहते हैं, जैसे बूढ़ा जवान, पूरा आधा, मोटा पतला। ये शब्द एक दूसरे से उल्टा अर्थ दे रहे हैं, एक दूसरे से विपरीत हैं। ऐसे शब्दों को ही विलोम शब्द कहते हैं। 6. विलोम शब्दों का मिलान करो। मैंने उत्तर लिखा है विलोम शब्द गरीब अमीर, जीवन का मृत्यु, पास दूर, स्वस्थ रोगी, बुद्धिमान मूर्ख, सुखी दुखी। सोचिए और लिखिए, यदि आप राहुल की जगह होते तो आप क्या करते? उत्तर, यदि हम राहुल की जगह होते तो मुनि के पास जाने की अपेक्षा शुरू से ही मेहनत करके सफलता प्राप्त करने की कोशिश करते। अमीर बनने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है परिश्रम। इस मूल मंत्र को ध्यान में रखकर हम परिश्रम करते और सफल होते। आगे प्रयोगात्मक व्याकरण। कपिल मुनि मुक्सर आश्रम में रहते थे। क्या तुम्हारे पास कोई मकान है? उनको राहुल पर गुस्सा आया। राहुल ने मेहनत करने की ठान ली। उपरोक्त वाक्यों में कपिल मुनि, राहुल व्यक्तियों के नाम है, मुक्तसर स्थान का नाम है, मकान वस्तु का नाम है, गुस्सा भाव विशेष का तथा मेहनत गुण विशेष का नाम है। मेहनत एक गुण है ना, उसका नाम है। आगे अतएव कपिल मुनि, राहुल, मुक्तसर, मकान, गुस्सा तथा मेहनत किसी न किसी के नाम को प्रकट कर रहे हैं। ऐसे पद जो किसी के नाम का बोध कराए संज्ञा कहलाते हैं। अतएव किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आगे 7. निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटिए और बॉक्स में लिखिए। क: राहुल एक गरीब आदमी था। राहुल गरीब और आदमी क्या है? संज्ञा। कपिल मुनि ने फिर पूछा, कोई मकान, कोई खेत, कुछ तो होगा। संज्ञा क्या है? कपिल मुनि, मकान, खेत। कपिल मुनि ने उससे आंखें, हाथ, पैर, मुख तथा जीभ मांगी। अब इसमें कपिल मुनि, आंखें, हाथ, पैर, मुख, जीभ। उसे बहुत दुख हुआ। इसमें दुख। राहुल ने परिश्रम करना शुरू कर दिया। राहुल और परिश्रम। आगे निम्नलिखित शब्दों में अक्षरों को उचित क्रम में रखकर सही शब्द बनाओ। जैसे टेढ़ा गिड़ गिड़ाते। दूसरा जो है वो है जरामहा। इसका उत्तर है महाराज। वैसे ही अगला है राब गया। इसका उत्तर है घबराया बोल सकते हैं। अगला एलिस, इसका बन जाएगा इसलिए। उसके बाद है तेहचा, इसको हम बोल सकते हैं चाहते। ठीक है, वांग भग, उसको हम लिख सकते हैं भगवान। वैसे ही अगला है लकपी, उसको हम लिख सकते हैं कपिल। अगला है हमारे पास जो शब्द मार्कक, इसका हम उत्तर लिख सकते हैं कमाकर। ठीक है, अब आपको बनाना आ गया होगा कैसे बनाते हैं। कानम का लिख सकते हैं मकान। वैसे ही आखिरी शब्द जो है वो दिया है हमेतन, उसको हम लिख सकते हैं मेहनत। आगे चलते हैं। 9. प्रश्न जो है उसमें हमसे पूछा गया है पूछो तो जाने। सफेद रंग की कटोरी में अंडा देखो काला काला, कौन
खोलो तो देखो सबको, बंद करो तो अंधियारा। क्या है ये? आंख। तिलक तमाचा ताली मुझसे, चित्रकला लेखन सब मुझसे, ऐसे ऐसे करतब मैं करता, सारा जग है अचरज करता। उत्तर हाथ। प अक्षर से मेरा नाम, चलते रहना मेरा काम, सोच समझ के बच्चों तुम बतलाओ मेरा नाम। उत्तर पैर। 32 है सिपाही जिसके, है ऐसा एक राजा, आगे लगा हुआ है उसके महल सा दरवाजा। उत्तर मुंह। स्वाद तुम्हें मैं हूं बतलाती, छिपकर मैं हूँ मुंह में रहती, मीठा बोलू तो नाम कमाऊ, कड़वा बोलू तो मुंह की खाऊ। उत्तर जीभ। आदि कटे तो राम बन जाता, बीज कटे तो आम बन जाता, थक टूट कर जब घर आते तब मैं सबके सबको याद आता। उत्तर आराम। आगे बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, कपिल मुनि किस आश्रम में रहते थे? उत्तर मुक्तसर, अमृतसर, विरक्तपुर या आनंदपुर। उत्तर क मुक्तसर। दूसरा, एक दिन गुरुजी के पास कौन आया? क मित्र, ख शिष्य, ग राहुल या घ गुरु। उत्तर ग राहुल। तीसरा, गुरु के अनुसार कौन सा धन सबसे बड़ा है? क स्वास्थ्य, शरीर, सोना, ग चांदी, घ तांबा। उत्तर क स्वस्थ शरीर। चौथा, राहुल नामक गरीब आदमी मेहनत से क्या बन गया? क गरीब, ख अमीर, ग लालची, घ नकलची। उत्तर ख अमीर। पांचवा, सबसे बड़ा धन पांच के आधार पर बताइए कि कपिल मुनि ने राहुल से 10 लाख रुपए के बदले क्या मांगा? क हाथ, ख आंख, ग पैर या घ मुख। उत्तर घ मुख। तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ इस पाठ के प्रश्न उत्तर आप सबको समझ आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।